सोई नहीं बेटा अभी तक? क्या हुआ दुआ? सब खैरियत तो है ना बेटा? दुआ ना करो मेरे साथ ऐसा, बताओ क्या हुआ है? अम्मा सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो। दुआ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हें नींद की गोली इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारी आंख ना खुले। तुम अभी तक कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? अम्मा परेशान ना हो, इसके रात से सर में दर्द हो रहा था, मैंने इसको नींद की गोली दी थी ताकि ये आराम से सोए, इसकी आंख ना खुले, रोजा ना रखे, लेकिन ये यहाँ पे बिना वजह दर्द बर्दाश्त कर रही है। शाम को तो ठीक थी तुम, कोई सर में दर्द नहीं था। कुछ तो छुपा रहे हो तुम दोनों, मुझे सच सच बताओ क्या बात है बेटा? अम्मा हम कुछ ही छुपा रहे हैं, मेरा सर वाकई दर्द से फट रहा है इस वक्त। फिर मेरा बच्चा ना रखो रोजा, हाँ दर्द बढ़ ना जाए कहीं। अम्मा कोई बात नहीं, मैं रोजा रखूंगी तो खुद ब खुद दर्द ठीक हो जाएगा। अभी सहरी का टाइम हो रहा है, अब्बा भी उठने वाले हैं, कहीं सहरी का टाइम ना निकल जाए। पक्की बात है ना, तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नहीं आप प्लीज जाइए, तहज्जुद की नवाफिल अदा कीजिए, मैं दुआ को लेकर आता हूँ, हम लोग सहरी का इंतजाम करते हैं, आप प्लीज रिलैक्स। बेगम साहबा किसी और चीज की जरूरत है? नहीं नहीं बस सब ठीक है। तुमने सहरी कर ली? नहीं बस सब जाके कर रही हूँ। चलो जल्दी से चलो जा। दुआ बेटा जी अब आप चाय दो आपको। क्या हो गया आप सहरी नहीं कर रहे? बहुत वक्त गुजर गया, थोड़ा सा रह गया। अब क्या हुआ ऐसे देख रही हैं आप? मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और बजद है कि रोजा रखेगी। हाथ दिखाओ, टेम्परेचर लग रहा है मुझे भी, बुखार सा हुआ है, क्या बात है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आराम से सहरी करें, मेरे लिए परेशान नहीं हो। बेटा कैसे परेशान ना हो, टेम्परेचर हो रहा है, सहरी तुम कर नहीं रही हो, रोजा कैसे रखोगी खाली पेट? परेशान होना तो बनता है ना। आप देख रहे हैं ये कितनी जिद्दी हो गई है शादी के बाद। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग आराम से सहरी करें, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दाई तो मुझे सच सच बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है दुआ को? कुछ भी नहीं हुआ, मुस्तजाब की याद आ रही है। हैं? मुस्तजाब याद आ रहा है? क्या वाकई ये बात है? आप लोग इतना से सहरी कीजिए। लो खामखा पता नहीं क्या क्या सोचने लगी, शान हो गई थी मैं तो। इसने सहरी नहीं की है, मेरे ख्याल कल इसको रोजा ना रखते, बाद में रख के खजा पे। मेरे रहमान मेरे रहीम, जो मिला तुझसे मिला है, जो पाया तुझसे पाया है। मेरी हर सांस हर धड़कन, हर नज़र हर हरकत, हर साथ जो तूने अता की वही बेहतरी है। तू इतना रहीम है कि तेरी रहमत के सहारे मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी बआसानी तय हो सकता है। तो मेरे सारे रास्ते आसान फरमा दे मेरे रब, मेरे हाल पर रहम फरमा, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। डोंट टेल मी तुमने इसको अभी तक बताया नहीं। अब
अपने अंदर अभी उसको दुख देने वाला हौसला नहीं कर पा रहा। तुम उससे ना उतनी ही दूर हो जितना आसमान जमीन से सिर्फ दिखाई देता है। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मिस शिजा, दूर हो जाओ मुझसे जाप से। मैं भी तुम्हें यही एडवाइस कर रही हूँ, तुम उस शख्स का बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। वो मेरे लिए है ना, तो मेरे लिए ही रहने। बोल रही हूँ तो वह तुमने मुझसे जाप के साथ ही खुद को चला है, उसके फेत का कुछ तो अंदाजा हो ही होगा ना तुम्हें। दुआ में एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और इस हिसाब से मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे हमारे रिलीजन के बारे में कोई इल्म नहीं है। हेलो दुआ, कैसी हो बेटा? मैं कैसी हूँ आंटी, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। आप वापस कराची कब आ रही हैं? क्यों, क्या हुआ बेटा, खैरियत? मुझे नहीं पता आंटी, मेरे और आपके डिक्शनरी में शायद खैरियत के मायने एक जैसे ना हो। अच्छा, आपसे मिलना है फौरन। आप वापस कब आ रही हैं? तब तक शायद सुकून का एक सांस नहीं ले पाऊं। अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं एक मिनट डिले नहीं करूंगी, मैं सुबह ही आती हूँ। मैं बेचैनी से आपके मुंतजर हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रोजा नहीं है? क्यों नहीं है, रोजा तो बिल्कुल है। लगा? कैसी बातें करती हैं आप, रोजा लगता नहीं है, उसे महसूस करते हैं। वाह भाई, मेरा बेटा तो बड़ा अकलमंद हो गया। जी, और आपकी बेटी उससे भी ज्यादा अकलमंद है, तभी तो अभी मुझे किचन में नजर नहीं आई। किधर है ये? सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई,
सुजाब की याद पहली दफा ऐसे सता रही है उसको। पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो खुद दुआ के इस रवैये से बहुत हैरान। आप फिक्र ना करें, मैं भी जाके देखता हूँ ना उसको। तो ये क्या तुमने दिन में रात बनाई हुई है यार? दाई प्लीज यार। क्या तुमने अपनी एक दिन में हालत बना लिया? सब कुछ बंद, जीप जीप कमरे का हाल है। क्या हुआ तुम्हें दुआ? मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा दाई। कल रात से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके ऑफिस के नंबर पर, उसके अपार्टमेंट के नंबर पर, उसके सेल फोन पे, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। लगता है उसको शजा ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझसे बात करने से कतरा रहा है। इसका मतलब है शजा सच कह रही थी ना, है ना दाई? दुआ, हर बात का इतनी जल्दी नतीजा खज नहीं करते, और हमें मुस्तजाब से राबते किए बगैर कुछ भी तसव्वुर नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इतनी स्ट्रांग लड़की हो यार तुम, दूसरों को हौसला देने वाली, उनको सहारा देने वाली, अभी क्या हुआ है? सिर्फ रेत के एक मुजस्मे की तरह उदाई, हकीकत की हवा का एक तेज झोंका मेरे वजूद को मस्मार कर देगा। दुआ, अगर इस वक्त तुम्हारा मुस्तजाब से कोई सीरियस क्लैश होता है तो तुम्हारी साथी अना या दुनियावी मसले की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के ऊपर यकीन के हवाले से होगा। और फिर जब मामला इतनी ऊंचाई और बुलंदी का होना, तो फिर उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर जाके सोचते और फैसला करते हैं। फिर आंसू तो क्या, इंसान का खून भी मायने नहीं रखता। अल्लाह की खातिर उससे या उसके बातिल नजरियात से टकराने का इरादा कर ही लिया है तो फिर अपने आपको रेत का मुजस्मा नहीं बल्कि फौलाद सी चट्टान समझो। ये जो आंसू होते हैं ना, इंसान सिर्फ अपनी जात के लिए बहाता है, अल्लाह के लिए तो जितने जख्म जितनी चोटें हो फिर भी मुस्कुराता रहता है। अब प्लीज, अम्मा परेशान हो रही हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो और मुस्कुरा कर मिलो उनसे प्लीज, ताकि वो खुश हो जाए। गुड, ब्लेसिंग फॉर मी। तैयार हो? और I'm okay. Good. Thank you. सुग्रा, अपनी प्लेट बना ली? ठीक है, इफ्तारी के बाद मेरे पास आना, कुछ कपड़े निकाल। देखो आवाज आ रही है मुझे अदालत में, दुआ कर लें जल्दी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्तु विका मन्तु वालेका तवक्कलतु वाला रिज़्क़का अफ़तरतु शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ये लो बच्चों, ले लिया।
ओहो अम्मा पकोड़े आपके हाथ के बने पकोड़े मतलब इफ्तार का मजा दुबाला हो जाता है और अभी तो मुझे ये समोसे भी खाने हैं। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देख के इत्मीनान सा हुआ मुझे, वरना सुबह से एक फिक्र लाभती के पता नहीं कुछ होने वाला है। अरे अब्बा आप जरा सी बात को लेकर यूं परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर आप लोग मेरे सर दर्द को लेकर इस तरह बेचैन होंगे तो फिर अल्लाह ना करे कल को कोई बड़ी बात हो गई तो क्या होगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्या इफ्तार के वक्त इस किस्म की बातें करने बैठ गई हो तुम और दाई? तो हमारी आंखों का नूर हो, तुम लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे ना हम ये सोच भी नहीं सकते कुछ भी। बस जम्मा क्या फ्रूट चाट बनाया है आपने यार, जबरदस्त। मैंने सोचा पहले मैं तो यही खाऊं। होए होए कहां थे बॉबी तुम? कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। I was at the police station yesterday. 12 घंटे से पुलिस स्टेशन में था। What? पुलिस स्टेशन? But why? खैरियत है? आप बिल्कुल ठीक कहती थी माँ। एक खराब औरत को इंसान अपने घर के रास्ते दिखा के अपनी जिंदगी की राहें खोटी कर लेता है। मुझे अब आपकी बात समझ आई है। किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारे कुछ घंटे आपकी जिंदगी के कई कई हसीन साल बर्बाद कर सकते हैं। तुम शेजा की बात कर रहे हो? और किसकी बात कह रहा हूँ मैं? उसने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? She herself is a problem. Her face is a problem. Her existence is a problem. उसने दयान को फोन किया और अब वो दुआ के साथ डायरेक्ट है मैम। से पता नहीं क्या नॉनसेंस बाकी है दुआ को, पूरी रात दुआ मुझे फोन करती रही है। और शेजा की वजह से यहाँ पे रात को मैं पुलिस कस्टडी में था और मैं उसका फोन नहीं उठा सका। क्या औरत मुझे पागल करते कि मॉम आई एम गोना किल। बॉबी खुद को काबू में रखो, इस औरत का मकसद सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐसा ही चला तो ना वहाँ हालात काबू में रहेंगे ना यहाँ। मॉम पता नहीं क्या नॉनसेंस बाकी है उसने दुआ को मेरे बारे में। अबाउट व्हाट? About my faith, my ideas about religion, mom. दुआ मुझे पूरी रात फोन करती रही, मुझे क्रॉस क्वेश्चंस करती रही। मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं, क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे किसी का क्या ताल्लुक है मॉम? I don't have to prove myself to no one. It's no one's concern. बॉबी, तुम ये सब दुआ से नहीं कहोगे। लेकिन क्यों नहीं मॉम? Why not? She's my wife. मैंने उससे एक जायज रिश्ता बनाया है। उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जरूरत पूरी करना मेरा फर्ज है, एंड दैट्स इनफ। अब आखिर कब तक कोई मुझे ये कह के ब्लैकमेल करता रहेगा कि दुआ को जाके वो मेरे नजरियात बता देगा? मॉम कम ऑन, मैं नहीं मानता, दिस इज क्रैप। बॉबी तुम जज्बाती हो रहे हो ना अपने कायद को लेकर, हो रहे हो ना, तो दुआ भी हो सकती है। मॉम मैंने और दुआ ने एक दूसरे से मोहब्बत का दावा किया था, साथ रहने का वादा और निभाने का इरादा। मैं दुआ के फेथ को टच नहीं करूंगा, आप उसको बोलो वो कुछ भी मुझ पे इन्फ्लुएंस मत करे प्लीज। चला ना बॉबी, प्लीज लिसन। आई हैव टू मेनी मैटर्स टू डील ओवर हियर, कैन यू प्लीज डील विद दुआ? वो I'm sorry, Mom. There's just too much going on. I'll call you later. I love you. Bye. Bobby? सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ, घर भी नहीं गई। अरे मोहतरमा ये भी तुम्हारा अपना घर है। ये तो है, और अल्लाह हमारी मोहब्बतों और एतबार को इसी तरह कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जिस काम से गई थी वो काम हो गया? अल्लाह का शुक्र है सारे काम निपटा के आ रही हूँ। चलो दैट्स गुड।
दुआ, क्या हाल है मेरी बेटी का? तुम्हें पता है बॉबी से ज्यादा प्यारी हो गई हो तुम मुझे। उसकी दूरी इतनी महसूस नहीं होती जितनी तुम्हारी महसूस हुई पिछले दिनों। बैठो तो सही तुम। तुम्हें पता है मैंने सजाद से कहा है कि एक छोटा सा घर ले लें शहर में, लेट हो जाए तो कम से कम वहां रुक जाया करेंगे। तो क्या मैं अकेली पीऊंगी? ये तो ज़हन से ही निकल गया। आप लोगों का तो रोजा होगा। तुम सफर में थी ना, हम तो मुसाफिर नहीं थे, रोजा तो रखना था। मुझे तो एक्चुअली पिछले 10 साल से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। आई कांट फास्ट। ओह, और मुस्तजाब क्या उन्होंने कभी रोजा रखा है? I don't know actually, कुछ कह नहीं सकती, वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते है ना। क्यों नहीं बिलीव करता? करता है ना बिलीव। हाँ प्रैक्टिस में थोड़ा वीक है ये बात मैं मानती हूँ, इसीलिए तो तुम जैसी शानदार लड़की के हवाले किया उसे, जो मैं नहीं सिखा सकी तुम सिखा दोगी। क्यों निम्रा? हाँ सही, लो अजान हो। आप मुझे कब से जानते हैं? ये कैसा सवाल है दुआ? मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब निम्रा तुम्हें गोद में लिए फिरती थी। और मुझसे जब आपकी उंगली पकड़ कर चलते होंगे है ना, तब से जानती हैं आप हमें, समझती हैं, वाकिफ है हमारी सोच से, हमारे अकायद से, हमारे बिलीव से, जिंदगी गुजारने के ढंग से। आपको तो सब कुछ पता था ना आंटी, फिर आपने क्यों हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का फैसला किया? तुमने मुझे आंटी फिर कब से कहना शुरू कर दिया दुआ? जब से मेरा रिश्तों पर से एतबार डगमगाया है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तो हाँ मेरा यकीन करो, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं यकीन कर सकती हूँ क्योंकि आपने वाकई एक लम्हे के लिए भी मेरे लिए सोचा ही नहीं था। फिर अच्छे और बुरे का क्या सवाल? आपने सिर्फ मुस्तजाब के बारे में सोचा, आपको सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी, उसके मुस्तकबिल की, उसके अकायद की, उसे बुरी सोबतों से और बुरी हरकतों से बचाने के लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा आंटी कि जब मेरे जैसे ख्यालात की लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के अकायद के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। आपने सिर्फ मुस्तजाब की माँ बनकर सोचा, तो फिर मेरे लिए मम्मी या मम्मा कैसे बन सकती हैं आप? इतनी बात को मानना हो, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं है उसके पास। जिस शख्स के पास अपने रब का तसव्वुर नहीं है, मेरे लिए उसके किसी भी तसव्वुर की रत्ती बराबर अहमियत नहीं। दुआ वो ठीक हो जाएगा, वो जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है, वो तुम्हारी बात भी मानेगा। तुम मायूस ना हो, तुम चाहो तो उसे अपने नजरियात पे ला सकती हो। इट्स ऑल अप टू यू दुआ। मैं एक बार उसके मुंह से जरूर सुनूंगी आंटी कि वो क्या मानता है और क्या नहीं मानता। लेकिन अगर वो कहे कि दुआ नहीं तो मैं मान लूंगी। लेकिन अगर उसने कहा कि खुदा नहीं है तो मैं लम्बा भर में उससे ताल्लुक तोड़ लूं। And I mean it.
शरबत पास करो। अरे भाई आज ये शकीला आई थी अचानक और अचानक चली गई, खैरियत तो है? दुआ से मिलने के लिए आई थी मेरी और चली गई, मुझे तो ये भी नहीं पता है दोनों की बात क्या हुई है। अच्छा दुआ बेटा जी अब खैरियत तो है, कैसे आना हुआ था उनका? और अगर आ ही गई थी बेटा तो अफ्तार पे तो रोक ही लेती उन्हें। अब्बा उनका रोजा नहीं था। अच्छा मेरे ख्याल में आसान हो गई है, सो प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ मुझे भी आवाज आई, बिस्मिल्लाह करें। हाँ यही कहा उसने। मैं तुम्हें पहले दिन से ये बात समझा रही थी बॉबी, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। माँ मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको जो कहा शिजा ने कहा, यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। अरे शिजा ने तो वही कहा जो वो तुम्हारे बारे में जानती है। हाँ तो ठीक है मैं सही हूँ, यही मेरी सच्चाई, यही मेरी हकीकत है, मेरी असलियत है। तो नॉट टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ अपने आप को लेकर। मेरा अपना एक दिमाग, मैंने दुनिया को अपने तौर पे देखा है, अपने तौर पे समझा। कोई मेरे दिमाग में अपनी सोच, अपना फेथ कैसे ठोस सकता है? और मैं किसी को ठोसने कैसे दे सकता हूँ? I think that'd be a murder to myself, no? फिर ऐसी ही आजादी, इतनी फ्रीडम, इतना फेवर, दुआ को भी दो ना। So mom, of course she has all the freedom. I don't know who's restricting her. वो जैसा चाहे सोचे और जैसे चाहे जिए, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। No mom, there's not even a question like that. ऐसा कभी नहीं हो सकता। In fact, अगर वो चाहेगी तो भी उसको मैं ऐसा नहीं करने दूँ। मैं यहाँ से सारा शिजा का मैटर रैप करके पाकिस्तान जा रहा हूँ, उसके बाद दुआ को यहाँ पे मेरे साथ आके रहना पड़ेगा। अब ऐसा ही होगा जैसा मैं चाहूँ। I don't believe this, Bobby. तुम करना क्या चाह रहे हो? दाई जी अबा, यार दाई मैं बहुत परेशान हूं और मुझे लग रहा है कि दुआ भी किसी बहुत सीरियस मसले की वजह से परेशान है। देखो बेटा वो लाख छुपाए लेकिन है तो हमारी बेटी ना, बाप हूं मैं उसका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदाजा तो हमें भी होता है। उसकी आंखें बता रही हैं वो अंदर से बहुत खौफजदा है बेटा, और मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम इस सारे मामले से नावाकिफ नहीं हो। देखो दाई जिस तरह हमने तुम्हारी और दुआ की तरबियत की है ना, जिस तरह सही को सही और गलत को गलत कहने का इतमाद हमने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी रहनुमाई के लिए काफी है जिंदगी भर के लिए। ठीक है जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना। जल्द ही बदेर आपको और अम्मा को यह सदमा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा पा, क्योंकि ये बात बहुत देर छुपने वाली नहीं है। दुआ को शक तो हो चुका है, बस यकीन के पुल सिराज से गुजरना है उसे एक बार। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे घर वालों का सदमा कम कर सके। इससे पहले कि वो लोग ये दुख बर्दाश्त करें उन्हें एक बड़ी खुशी देनी होगी।
चाहा तो सब ठीक हो जाएगा अम्मा। आप दोनों इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटी मोटी नोकझोंक तो हर मियां बीवी के बीच में होती रहती है, और मुसजाब के बीच में भी हो गई है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, तुम छुपाना क्या चाह रहे हो उनसे? बता क्यों नहीं रहे हो? अब्बा, आपने और अम्मा ने सारी जिंदगी एक दूसरे का पर्दा रखा है ना, आज तक कभी किसी को इस बात का पता तक नहीं चला कि आप लोगों का झगड़ा कब हुआ, लड़ाई कब हुई, किसी तीसरे बंदे को पता ही नहीं चला। मैं और दाई इतने बड़े हो गए, हम दोनों को आज तक आप दोनों की किसी भी नाराजगी की कोई वजह पता नहीं चली। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक। लाइफ पार्टनर एक दूसरे का पर्दा रखते ही मैंने आप दोनों से ही सीखा है, इसलिए जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती मैं इस बात को छुपा के रखना चाहती हूँ। जब मुझे बेहतर लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलें जी, बात ही खत्म। हम खामखा परेशान हो रहे थे, यहाँ तो पर्दा रखा जा रहा है। अरे भाई, अब आप लोग क्या इसी के बारे में सोचते रहेंगे या कुछ मुझ गरीब पर भी नजर करम होगी? कोई मंगनी, कोई निकाह, कोई तकरीब, कुछ तो? सब खैर तो है बरखुरदार? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही दुआ? अच्छा चले, अभी सोते हैं और सहरी में मुलाकात करते हैं। बदमाश, कितना छुपा रुस्तम है, मैं भी पूछती हूँ उसको। सहरी में क्या खिला रही हैं आज आप? वही जो रोज होता है। दाई? दाई के बच्चे? ऐसे नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। वो एक बच्चे? होने तो दो। उप्पो जान के इतने खतरनाक है साहिब? उप्पो जान अभी से? ओहो, क्या चक्कर है? तुम सीरियस हो? हाँ तो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस मामले में मजाक करूंगा? तुम मुझे बताया क्यों नहीं? तो अब बता रहा हूँ ना। कौन है वो लड़की? है सच में? अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकिया डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खैरियत तो है? इस वक्त कैसे याद आ गई? हाँ, वो एक एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोल। हाँ, वो कल अम्मा और मेरी बहन तुम्हारे घर आना चाहते हैं। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। बल्कि उनसे कह के हमारे साथ आकर इफ्तार भी करें। लेकिन किस सिलसिले में आना चाह रही हैं? हाँ, वो तेरी छोटी बहन है ना ताबीन, उसके लिए मेरा प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। आर यू सीरियस दाई? हाँ, तुझे बुरा लगा? नहीं नहीं, बल्कि बड़ी खुशगवार हैरत हुई है। हम तो वैसे भी उसके लिए एक मुनासिब रिश्ते की तलाश में थे। दाई, तूने इस वक्त मुझे एक जबरदस्त सरप्राइज दिया। मैं सुबह ही अम्मी और ताबीन को बताता हूँ, और तू तो जानता ही है कि अम्मी तुझे कितना पसंद करती है। हाँ, मैं भी उनको उतना ही पसंद करता हूँ। बचपन के उनके हाथ के आलू के और खीमे के पराठे खाए हैं। चल, कल मिलते हैं। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। खुद से जुड़े रिश्तों की खुशी के लिए इंसान कभी वो कुछ कर गुजरता है
जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने तो कभी उस बेचारी लड़की को गौर से देखा तक नहीं जिसे पसंद करने का दावा कर बैठा। मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, आंसू अपने लिए रखता है और मुस्कुराहट दोस्त के लिए। मैं भी तो बस इतना ही चाहता हूं मुझसे जुड़े हुए रिश्तों के होंठों पर मुस्कुराहट हो और आंखों में एक भी आंसू ना हो। दुआ को इस स्ट्रेस और टेंशन से बाहर लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम मुस्कुराती रहो दुआ, खुश रहो, मैं बस इतना चाहता हूं।